आप देख सकते हैं 3 दिन पहले नगला फार्म से एक बचा हुआ था जिसका शव जो है आज गन्ने के खेतों में मिला है। जी हाँ, किस तरह से देख सकते हैं, तमाम परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब से लापता हुआ? परसों जा था जी। परसों क्या था? हाँ जी। क्या उम्र थी बच्चे की? 25-26 साल थी जी। हाँ जी। करता था? कुछ नहीं कर रहा था जी, गाड़ी चलावा था, अभी तो घर ही था। परसों ले गए 12 बजे। अब परसों से हम परेशान हो रहे, ढूंढते ढूंढते दिन रात फोन कर रहे, फोन बराबर चल रहा। बुलेट पर ले गया कोई, मामा नहीं बारा जी कैमरे में देखो, फोन में बुलेट में लिली जर्किन पहन रहा है जी, उसका हमने कैमरे में खुद चेक करा जी। कुछ दिन पहले लापता हुआ था? परसों जी। परसों से लापता था? हाँ जी। परसों से लापता था? घर से पैदल गया, कोई बाइक पे लेने आया, बाइक पे ये तो नहीं जानते हम कौन ले गया। बच्चे का क्या नाम था? इसका अशोक नाम है। अशोक? 26 साल। हाँ जी, अशोक है। छोटू प्यार था। अरे मेरा इतना नहीं था, छोटा रखे अशोक नाम है। हाँ जी अशोक। कितनी उम्र है? 26 साल। 26 साल। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था? नहीं। और जो बुलेट बाइक की बात कर रहे हैं जी, हम उसे पहचानने पाए। वो कौन है? वो कब आया था? वो परसों आया था, उसे लेने आया, बाइक पे बैठाया। लेने के लिए आया? बाइक पे बैठाया वो, और फिर अशोक ने बाइक चलाई, उनने वो पीछे अपने साथ ले गया। हाँ, और तब से उसका कुछ पता नहीं था? फोन वगैरह? फोन नंबर? फोन तो बराबर चल रहे थे। फोन चल रहे थे? आज बात हुई बीच में? बात नहीं, अशोक से बात नहीं हुई? अशोक से बात नहीं हुई? मैंने फोन करा। क्या लगते हैं शोक के? मैं भाभी। आप भाभी हैं? हाँ। और आप ये मम्मी हैं? भाभी हैं। यूं बेटा मेरा बिचला। देख सकते हैं माँ का रो रो कर बुरा हाल है, और एक गन्ने के खेतों में शव जो है अशोक का मिलता है। उसकी उम्र 25-26 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। किस तरह से देख सकते हैं, एक और हैरान कर देने वाला मामला करनाल के CMCT से देख सकते हैं सामने आ रहा है। और इस गन्ने के खेतों में जो शव है वो पड़ा हुआ मिलता है। यहाँ पर जब जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस की टीमें मौके पर पहुँच जाती हैं। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा ज़रूर हो जाते हैं। जैसे ही जानकारी लोगों को मिलती है, लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं मौके पर। ऐसा बताया जा रहा कि कोई बाइक पर उसे बिठा कर घर से ले गया था। देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया था वहीं। अच्छा, चक्कर में चला गया था, ये भी आया था छुटका 15-20 दिन में। 15-20 दिन बस। आप लोगों को किस टाइम ये दिखाई दी बॉडी अंदर? अभी बस, जस्ट 12 बजे। क्या करने गए थे इतना अंदर जो कि मतलब वो नजर आया? पुलिस वालों ने ना लोकेशन दी थी इसकी फोन की। अच्छा, लोकेशन पे ना? हाँ, यो भाई अपना ठीक है, यो लोकेशन दी थी इसके फोन में। लोकेशन डाली थी फोन में, लोकेशन दी थी, हम देखने गए अंदर। कोई आसपास कुछ ना जाता नजर आया? हाँ जी। तो साथ में कोई पुलिस वाला नहीं आया? अकेले गए थे आप ढूंढने? जी, हम क्या काम करते थे? हम ही गए थे। नहीं आ गए पुलिस वाले, मौके पर आ गए ना। आइयो आइयो, उधर कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी जो भी सामान है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई बढ़ाई है। क्या काम करते थे सर? क्या जानकारी आई थी आप यहाँ पहुँचे थे? 112 पे हमारे पे कॉल आई 1 बजे से, यहाँ पे एक हादसा हो गया, जो 3-4 दिन तक गायब था लड़का, अशोक नाम का, पता करा भाई अशोक नाम है उसका। और अभी पता लगा, हमने मौके पर पहुंचे हैं, अभी पूछताछ कर रहे हैं। देख सकते हैं 112 की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, और इसी खेतों के अंदर, गन्ने के खेतों के अंदर जो डेड बॉडी है वो पड़ी हुई मिलती है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस को लोकेशन मिली थी कि यहाँ की लोकेशन जो है वो आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर अंदर ढूंढने चले जाते हैं, और अंदर जाकर देखा जाता है अशोक की डेड बॉडी जो है वो अंदर पड़ी हुई है। आईओ मौके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल अब आगे की जो जांच है वो की जा रही है। आसपास से लोग जैसे ही पहुंचे हैं मौके पर, देख सकते हैं जैसे ही पता लगता है मौके पर लोग पहुंच जाते हैं। आपको मैं अंदर जाकर भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा, हालांकि डेड बॉडी की तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखा देता हूं कितने अंदर तक उसे अशोक को लेकर जाया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम लोग, जब यहां पर पता लगता है कि लोकेशन यहां की आई है, तो उसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए अंदर चले जाते हैं। सेक्टर 32-33 थाने से आईओ भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जी हां, सेक्टर 32-33 थाने से भी आईओ पहुंच चुके हैं। उनसे जान लेते हैं सर क्या कुछ जानकारी मिली थी अब यहां पर पहुंचे। कल हमें एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि वे अशोक कुमार ऐसे परसों से घर से लापता है, जिस पे कंप्लेंट प्राप्त होते ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश की गई, लोकेशन के आधार पर एक की तलाशी ली गई, जो डेड बॉडी यहाँ मिली है और खून निकला पड़ा है। डेड बॉडी की जानकारी कैसे मिली थी सर? डेड बॉडी की जानकारी
घर वालों ने बताया है जी, वो भी तलाश कर रहे थे, उन्होंने बताया ये डेड बॉडी यहाँ है। ठीक है, तो ये परिवार वाले बता रहे हैं कि फोन की कोई लोकेशन पुलिस ने लोकेशन उसी के आधार पे हम भी ढूंढ रहे थे और ये भी ढूंढ रहे थे, तो यहाँ डेड बॉडी इसमें मिली है। फोरेंसिक टीम आ रही है। क्या लगता है हत्या से जुड़े हुए? अभी कुछ नहीं कह सकते, इसमें फोरेंसिक टीम आ जाएगी, बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी सूरत हुई कार्रवाई अमल में लाएगी। चेहरे पे कोई निशान वगैरह है कुछ? हाँ, खून लगा हुआ है चेहरे पे, मारपीट के निशान लग रहे हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते जी, खून लगा हुआ है अभी, खून फिलहाल खून है, खून निकला हुआ है। देख सकते हैं तमाम टीमें मौके पर हैं, अब फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स को मौके पर बुला लिया गया है। देख सकते हैं लगते थाने से पुलिस की टीमें, और आपको बता दूं सड़क से लगभग 30 मीटर अंदर, लगभग 30 मीटर अंदर जो है वो डेड बॉडी गन्ने के खेतों में मिलती है, जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुके हैं। परिवार वालों को लोकेशन दी गई थी कि यहां पर लोकेशन आ रही है अशोक की, उसके बाद परिवार भी उस जगह पर ढूंढने लगता है, तो गन्ने के खेतों में इस डेड बॉडी को अशोक की देखा जाता है। पुलिस को मौके पर बुलाया गया है, अब आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर करें, और किस तरह से देख सकते हैं 2 से 3 दिन पहले बताया जा रहा है लापता हुआ था, 2 दिन पहले लापता हुआ था घर से, और पुलिस को जैसे ही कंप्लेंट मिली है मामला दर्ज करके कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से अब वापस हम आगे की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से खेतों के अंदर लगभग 30 मीटर अंदर जो है वो डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद आसपास के एरिया में सनसनी जरूर फैल जाती है। और देख सकते हैं किस तरह से यहां पर परिवार से भी लोग जो है, गांव के लोग जो है वो भी इकट्ठा हो चुके हैं। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। पिता हैं अशोक के, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ कहकर नहीं गया, तो आपसे अमूमन बात करता होगा क्या? क्या लग रहा है ये इस तरीके से उसका जो अभी अंदर शव मिला है, तो क्यों दुश्मनी थी किसी के साथ? दुश्मनी भी कि बावजूद किसी की गल नहीं थी इसकी, यू तो मतलब फोन करे आज ना किसी पे खाचा मोटरसाइकिल लगा खाए, बता रहे कोई बुलेट पर आया था। हाँ, इसे मोटर मतलब बुलेट हो या कोई भी गाड़ी हो उस पर ले गए इसे, ठीक है, और वापसी घर नहीं पहुँचा। अच्छा, उसके बाद ये घर नहीं आया, कितने बजे निकला था ये? 12 बजे। 12 बजे दोपहर के 12 बजे। हाँ, कोई नशा वगैरह भी करता था? हाँ, नशा भी कर लेता था, कभी कभी नशा कर लेता था। हाँ, कभी कभी कर लेता, हम लोगों को एक भी करन था, कभी कभी कर लेता। बता रहे कि अंदर भी कुछ सामान मिला है, नशे का सामान मिला है, पड़े आज ही वहाँ टिक्के भरे पड़े पास मिला है, तो चेहरे पर ऐसे पहले करता था ना? ऐसे कभी नहीं करा जी, पैक सैक लगा ला था, ये वाला नशा कभी नहीं करता जी ना। तो ये आंख पर भी चोट लगी हुई है, सिर में भी लगी हुई है, सिर में भी चोट है, सारा खून पूरा खूनम खून है। हाँ जी, तो क्या लग रहा है कि उसके सब कोई मतलब मारपीट हुई है? मारपीट जो लेकर गया था साथ उसी ने की होगी ऐसा? हाँ, ऐसा ही लगा। दोस्तों वगैरह को जानते हैं आप, उसके कौन से दोस्तों के साथ घूमता था वो? दोस्तों का तो जी जो उसके जेब में 3 दिन तक फोन बराबर चल रहा, फोन नहीं लेके काट गए, फोन है अभी मिला? हाँ जी, हाँ जी, फोन मिले, लोकेशन जी भी आई जी, वो फोन चलता रहा 3 दिन तक, उसी से लोकेशन का पता लगा। हाँ जी, तो आप लोगों परिवार ने पहले ढूंढा उसे? पहले ढूंढा जी, पुलिस को बताया? हाँ जी, कल FIR कराई, फिर हम बड़ोली गए, बड़ोली जाकर चौकी पे हमने बात करी, उन्हें 1 मिनट में मतलब कह के डिटेल कह लिया भाई वहाँ। लेकिन अभी परिवार को किसी पे शक नहीं है अभी? ना जी ना, किसी पे शक नहीं है, बस उस पर है जो मोटरसाइकिल पे से लिया वो सच्चा है। कैमरे में फुटेज आ रही है? कैमरे में फुटेज आ रही है, हमारी पृथ्वी बिहार में कैमरा लग रहा है मेन गार्ड पे, वहाँ पर यानी फुटेज आ रही, उस फुटेज से पुलिस कार्रवाई क्या कहते हैं, जांच होनी चाहिए इसकी कि आने जांच किया था, कैसे मिला, जांच होनी चाहिए जी, जी जी, जांच तो होनी चाहिए, मालूम नहीं तो कोई किसी ने ले जाके मार दो, जी जी जी, जांच तो होनी चाहिए। तो अभी कोई काम करता था या घर पे रहता था? गाड़ी चलाता था जी, गाड़ी चलाता था, कौन सी गाड़ी चलाता था? ये ट्रक डंपर चलाता था। हां जी, हां जी, 3 दिन तक ही छुट्टी नहीं हुई थी? ना जी ना, ट्रक ड्राइवर था। ये 3 दिन तक छुट्टी पे था, छुट्टी पे था 3 दिन से। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अशोक की तस्वीरें हैं, और ड्राइवर था ये, गाड़ी चलाया करता था, और किस तरह से 1 दिन 2 दिन पहले लापता हुआ, जिसके बाद मामला दर्ज करने के बाद आज पुलिस ने लोकेशन जो है परिवार को यहाँ पर नगला फार्म के पास दी, उसके बाद परिवार यहाँ पर पहुँचा और उसे ढूंढने का प्रयास किया गया, और खेतों में वह मृत अवस्था में मिलता है। तस्वीरों को शेयर जरूर करिएगा, किस तरह से देख सकते हैं एक हैरान कर देने वाला मामला, देख सकते हैं आसपास के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, जैसे ही पता चलता है कि अशोक इसी एरिया में, उसके बाद उसे ढूंढने का प्रयास किया गया तो पीछे गन्ने के खेतों में उसका शव जो है वो मिलता है। अब आसपास से जो लोग हैं वो ज़रूर पहुंचे हैं, और पुलिस को भी मौके पर बुला लिया गया, और आगे की कार्रवाई जो है FSL की टीमें जब पहुंचेंगी उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं FSL की टीमें मौके पर पहुँच चुकी हैं, जी हाँ,
फोरेंसिक्स एक्सपर्ट जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। अब उस मौके पर जाया जाएगा और देखा जाएगा क्या कुछ कारण रहे, क्यों ये जो है सुसाइड है या मर्डर है या कोई उसने ओवरडोज ली है नशे की या उस कारण हुआ है, ये जांच अब पुलिस करेगी। एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। फिलहाल आपको बता दूं खेतों के अंदर किस तरह से जब डेड बॉडी मिली, सनसनी किस तरह से फैल गई, उसके बाद आसपास से लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, किस तरह से देख सकते हैं माँ रोती हुई नजर आ रही है। और कल परसों लापता हुआ था, दो दिन पहले लापता हुआ था, अब एफएसएल मौके पर पहुंच चुकी है। देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा किस तरह से यहाँ पर लग जाता है। जैसे ही यहाँ पर पता लगता है कि एक डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, अब मामला हत्या से जुड़ा हुआ है या क्या कुछ है वो जाँच पुलिस करेगी। फिलहाल आप शव वाहन देख सकते हैं वो भी मौके पर है और पुलिस की टीमें भी मौके पर हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं एफएसएल की टीमें अब अंदर जाती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर एफएसएल की टीमें जो हैं अब अंदर जाती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं किस तरह से अंदर खेतों के अंदर जो है वो डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं एफएसएल की टीमें भी अब गन्ने के खेतों में अंदर जाती हुई आपको नज़र आ रही होगी। ये देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। अपील आप सभी से, देख सकते हैं खेतों गन्नों के खेतों में किस तरह से इतनी अंदर किस तरह से उसकी बॉडी आई या उसे यहाँ पर मारा गया, ये जांच का विषय है। फिलहाल आप देख सकते हैं एफएसएल मौके पर है और जांच करती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर जो तथ्य हैं वो जुटाने का प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं फिलहाल अब जो तथ्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है और फ़ोन मोबाइल फ़ोन यहाँ पर ज़रूर मिला है, जिसके आधार पर लोकेशन के आधार पर जो है यहाँ से बॉडी का पता लगा कि बॉडी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं इन गन्ने के जंगलों में किस तरह से अब मामला ओवर नशे का है या हत्या है या क्या सुसाइड है, वो अभी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है उस चीज़ के सामने आएंगे। क्या क्या जो बॉडी है वो फिलहाल अब यहाँ पर देखते हुए फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कारण क्या है। फिलहाल बॉडी को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में भिजवाया जाएगा, जहाँ पर पोस्टमार्टम कर जो शव है वो परिजनों को सौंपा जाएगा। और फिलहाल आपास में पड़े हुए इंजेक्शन और जो दवाइयां हैं वो भी कुछ मिली हैं, क्या वो नशे की हैं क्या हैं वो फिलहाल अभी पुलिस जांच का विषय है। फिलहाल ऐसा प्रतीत देखने में हो रहा है कि ओवरडोज के कारण भी शायद हो सकता है। और फिलहाल वहां पर सिरिंज आपको बता दूं पड़ी हुई थी और दवाइयां पड़ी हुई थी, अब किस चीज़ की हैं वो देखने का विषय है। फिलहाल अभी जो एफएसएल है उन दवाइयों को देखती हुई नज़र आ रही है किस चीज़ की वो दवाइयाँ हैं, और उसके मुँह पर चोटें हैं और सिर पर भी चोट है ऐसा बताया जा रहा है।